दी लल्लनटॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं निशांत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। वाराणसी, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। लॉकडाउन के बीच एक तस्वीर चली जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में कुछ बच्चे घास खा रहे हैं। ये बच्चे दलित जाति के एक समुदाय से आते हैं। स्थानीय अखबार में ये तस्वीर छपी और बताया गया कि ये तस्वीर बड़ा गांव इलाके के कोईलीपुर गांव की है। हालांकि वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि इस गांव में बच्चे फसल के साथ उगने वाली अंकरी या अखरी दाल खाते हैं और चने की बालियां तोड़कर खाते हैं। वो अंकरी दाल खा रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा कि इन बच्चों के परिवार के पास राशन कार्ड है और इस महीने के लिए इन्हें राशन भी मिला है। उन्हें अलग से राशन भी दिया गया है। यही नहीं, डीएम ने अपने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो भी डाली है जिसमें वो अंकरी दाल खाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सामान्य चीज है और खाई जाती है। इस बारे में खबर छापने वाले स्थानीय अखबार जनसंदेश टाइम्स के रिपोर्टर विजय विनीत और संपादक सुभाष राय को डीएम ने नोटिस जारी किया है। डीएम ने 26 मार्च को अखबार को जारी नोटिस में कहा कि 27 मार्च को इस खबर का खंडन भी प्रकाशित करें, क्योंकि घास खाने की बात लिखकर लोगों के बीच गलत संदेश फैलाया गया है और जाति विशेष का अपमान किया गया है। ये खबर वास्तविकता के उलट है। डीएम ने कहा कि अगर इसका खंडन जारी नहीं होता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ागांव थाना प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि एक स्थानीय अखबार के रिपोर्टर ने उन्हें इस बारे में बताया था कि इस बस्ती में अनाज की कमी है और वहाँ लोग घास खाने को मजबूर हैं। इसके बाद एसडीएम और तहसीलदार से इन लोगों की मदद करने को कहा गया। अखबार ने जवाब में क्या कहा? इस नोटिस पर अखबार ने 27 मार्च को अपना पक्ष छापा है। अखबार ने लिखा, सच दिखाना हमारा काम है, किसी को बदनाम करना नहीं। अखबार ने कहा, गवई प्रचलन में अंकरी घास ही है, इसे मवेशियों को खिलाया जाता है। ग्रामीण इसे खाना तो दूर अपनी फसलों की रक्षा के लिए उखाड़ने तक में कुताही नहीं बरतते। इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए सरकार अभियान चलाती है। इसके साथ ही अखबार ने जोड़ा कि अखबार का मकसद डीएम की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लापरवाह कर्मचारियों की खामियों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाना है। सवाल ये है कि अंकरी दाल क्या होती है? अंकरी या अखरी दाल के बारे में कृषि विशेषज्ञ आरएस राणा कहते हैं, ये खेसारी दाल जैसी होती है। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। फसलों के साथ ये खरपतवार की तरह उगती है। ये सेहत के लिए ठीक नहीं होती और इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कई जगहों जैसे काला हांडी या ऐसी जगह जहां भुखमरी जैसी स्थिति होती है, वहां लोग इसे खाते हैं। इसमें मटर से भी छोटी फलियां लगी होती हैं और इसे पशुओं के चारे में मिलाकर दिया जाता है। खेसारी दाल को बैन करने की भी बात हुई थी। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी की योगी सरकार को घेरा था। सपा की तरफ से ट्वीट किया गया कि लोग घास खाने को मजबूर, सैनिटाइजर और मास्क दूर की बात, हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं। सरकार से अपील है कि तत्काल खाद्य पदार्थों के साथ दूसरे जरूरी सामान इन बस्तियों तक उपलब्ध कराए जाएं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने अखबार को नोटिस भेजे जाने की निंदा की है और वाराणसी के डीएम को सस्पेंड किए जाने की मांग की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और लल्लनटॉप के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।